2020 का सबसे ज्यादा पूछा जाने वाले सवालों में से एक क्या है? कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? नहीं, कोरोना वायरस वैक्सीन कब आएगा? कब हम कोरोना वायरस को हराएंगे? पूरी दुनिया के साइंटिस्ट इस काम में लगे हुए हैं और 150 से भी ज्यादा वैक्सीन डेवलप हो रही हैं। अमूमन वैक्सीन बनने में कई साल लगते हैं, पर अभी के समय में वैक्सीन की इतनी सख्त ज़रूरत है कि साइंटिस्ट दौड़ लगा रहे हैं समय के साथ इस साल तक सुरक्षित और प्रभावी वैक्सीन बना सकें। इनमें से कई वैक्सीन्स अब ह्यूमन ट्रायल में हैं। आखिर क्या मतलब है ह्यूमन ट्रायल का? कैसे बनते हैं वैक्सीन्स और कितना समय लगता है कोरोना वायरस की वैक्सीन बनने में, या कितना समय लगेगा कोरोना वायरस की वैक्सीन बनने में, आज हम इन सब के बारे में बात करेंगे। अच्छा, तो ये कोरोना वायरस या वायरस है क्या? वायरस कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, पर ये एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है, डीएनए या आरएनए, जो कि एक प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ फैट उससे कवर्ड होता है। और ये वायरस जो है, ये हमेशा एक सरफेस या लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहिए होता है इसको सर्वाइव करने और इन्फेक्शन फैलाने के लिए, जिसको कि होस्ट बोलते हैं। अब वैक्सीन होता क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट वैक्सीन का ये है दैट इट्स एन एक्टिव एजेंट दैट इज इंजेक्टेड इन अ बॉडी टू प्रोवाइड इम्यूनिटी टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर इन्फेक्शियस डिजीज। मतलब ऐसा एजेंट जो बॉडी में इंजेक्ट करने से कोरोना वायरस या COVID-19 के अगेंस्ट प्रोटेक्शन दे सके। अब बात करते हैं कि वैक्सीन बनने में इतना समय क्यों लगता है। तो वैक्सीन डेवलपमेंट के बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। पहला होता है प्री क्लिनिकल स्टडीज। ये स्टडीज जो हैं वो लैब में एक छोटे लेवल पे की जाती हैं, जिसमें कि हम बेसिकली देखते हैं कि वैक्सीन काम कर रहा है या नहीं। क्लिनिकल ट्रायल का मतलब है वैक्सीन्स अब ह्यूमंस पर या इंसानों पर टेस्ट की जाएगी। सबसे पहले एक छोटे लेवल पर टेस्ट होता है, सेफ्टी और डोज भी एस्टैब्लिश होता है कि कितना डोज दिया जाएगा। साथ में ये भी चेक करते हैं कि इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप हो रहा है या नहीं वैक्सीन लेने से उन ह्यूमंस में। फेज टू ट्रायल को एक्सपैंडेड ट्रायल भी बोलते हैं। इसमें साइंटिस्ट अब वैक्सीन्स हंड्रेड्स ऑफ लोगों को देते हैं और फिर इसमें भी लोग स्प्लिट होते हैं ग्रुप्स में, लाइक चिल्ड्रन एंड एल्डरली, ताकि आप देख सकें कि डिफरेंट एज ग्रुप और डिफरेंट टाइप के लोगों में क्या ये वैक्सीन इक्वली इफेक्टिव है। अब क्लिनिकल ट्रायल फेज थ्री, जिसको कि एफिकेसी ट्रायल भी बोलते हैं, इसमें साइंटिस्ट वैक्सीन हजारों लोगों को देकर देखते हैं असर हो रहा है या नहीं, लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं या नहीं, प्लेसिबो जो कि नो वैक्सीन है उसके कंपैरिजन में। अब आता है अप्रूवल स्टेज। जब कोई वैक्सीन इन सब स्टेजों में पॉजिटिव रिजल्ट्स देती है, तब क्लिनिकल ट्रायल रिजल्ट और हर देश की गाइडलाइन के हिसाब से वो मैन्युफैक्चर और यूज के लिए अप्रूव होती है। अभी करेंटली 8 कंपनीज की वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल फेज 3 में है, और इनमें से सबसे आगे है मॉडर्ना। मॉडर्ना जो डेवलप करती है मैसेंजर आरएनए बेस्ड वैक्सीन्स। इनका क्लिनिकल ट्रायल फेज 3 जुलाई 27 को शुरू हुआ था, और इनका फाइनल ट्रायल जो है वो करीब 30,000 लोगों को एनरोल कर रहा है, और 89 साइट्स में ये टेस्ट होगा यूनाइटेड स्टेट्स में। दूसरा एक और ट्रायल जो है बायोएनटेक, फाइजर और फोजन फार्मा का कंबाइंड ट्रायल, ये भी एमआरएनए बेस्ड वैक्सीन है, और इनका फेज 2-3 ट्रायल करीब 30,000 लोगों में यूनाइटेड स्टेट्स और दूसरी देश जैसे अर्जेंटीना, ब्राजील और जर्मनी में किया जाएगा। ये दो वैक्सीन जो हैं, उम्मीद है कि ये दिसंबर तक इस साल या अगले साल फर्स्ट 2-3 मंथ्स में अवेलेबल हो सकती हैं, अगर सारे रिजल्ट्स पॉजिटिव आए। अब हम सब ऑब्वियसली ये जानना चाहेंगे कि इंडिया में वैक्सीन का क्या स्टेटस है। तो उसमें अभी एक वैक्सीन है जो एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन में बन रही है, जिसका मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इंडिया में हो रहा है, और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी बहुत सारी डोजेस इसकी बना ली हैं जो कि ट्रायल्स में यूज होंगी।
ये वैक्सीन जो है इसका भी फेज 2-3 ट्रायल इंडिया और इंग्लैंड में स्टार्ट हो गया है और फेज 3 भी ब्राजील और साउथ अफ्रीका में स्टार्ट हो गया है। अब सवाल ये है कि वैक्सीन कब तक आपको मिल सकेगा? हाउ क्लोज आर वी टूवर्ड्स गेटिंग अ वैक्सीन? ऐसा अनुमान है कि 2021 में वैक्सीन जनरल पब्लिक को अवेलेबल होगा, कंसिडरिंग कि क्लिनिकल ट्रायल्स सक्सेसफुल रहे। पर जब तक ये वैक्सीन नहीं आ रहा तब तक हमें क्या करना है? हमें तो पता है, वही सारी चीज़ें हमें कंटिन्यू करनी है जो हम अब तक कर रहे हैं। हाथ को साफ करना सोप से 20 सेकेंड या उससे ज़्यादा, क्योंकि जो साबुन में फैट होता है ना, बेसिकली वही वायरस को तोड़ देता है जिसकी वजह से वो इन्फेक्शियस नहीं रह जाता। अगर आपके पास साबुन नहीं है तो सैनिटाइजर यूज़ करें, फेस मास्क ज़रूर यूज़ करें और फिजिकल डिस्टेंसिंग या सोशल डिस्टेंसिंग ये कंटिन्यू करें। हम इस जंग में कोरोना को ज़रूर हराएंगे।